नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं सुनील राउत। क्या निशा जिंदल नाम की कोई लड़की फेसबुक पर आपकी दोस्त है? आप कहेंगे ये कैसा सवाल है, और अगर है भी तो इससे क्या। लेकिन फिर भी हम आपसे पूछ रहे हैं, हम इस निशा जिंदल की बात कर रहे हैं। क्या ये निशा जिंदल आपकी फेसबुक पर दोस्त हैं? अगर हाँ तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि मीठे मीठे पकवानों की तस्वीरें अपने वॉल पर शेयर करके आपको ललचाने वाली ये निशा जिंदल एक लड़की नहीं बल्कि लड़का है। यह खबर सुनकर उन लड़कों के दिल जरूर टूट गए होंगे जिन्होंने रातें काली करके इस लड़की से फेसबुक चैट किया होगा। इसके सुंदर चेहरे को देखकर दिल में कई अरमान पाल लिए होंगे। उन लड़कों को अब अपने ऊपर तरस भी आ सकता है कि हम किस निशा से बात कर रहे थे, क्योंकि हम आपको निशा जिंदल का असली चेहरा दिखाने जा रहे हैं। जी हां, ये है असली निशा जिंदल। ये हम नहीं कह रहे, इसका ऐलान खुद भाई साहब ने किया है, वो भी अपनी ही फेसबुक वॉल पर। जिन्होंने वहां नहीं देखा, इस स्टोरी में देख ले। निशा जिंदल के नाम से फेसबुक पेज चलाने वाले इस लड़के के 10,000 फॉलोअर्स हैं और 4,000 से ज्यादा दोस्त। ये पेज पर काफी एक्टिव था और रोज नई नई रेसिपी के साथ ही राजनीतिक पोस्ट भी करता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब इसके खिलाफ धर्म विशेष के लोगों ने शिकायत की। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि निशा के नाम पर रवि ये सारा खेल खेल रहा था। हैरानी की बात यह है कि रवि पुजार पिछले 8 सालों से निशा जिंदल के नाम से फेसबुक पेज चला रहा था। लोगों को प्रोफाइल फेक ना लगे, इसलिए उसने निशा जिंदल के रिश्तेदारों के नाम से भी कई फेक प्रोफाइल बना रखी थी। रवि ने निशा जिंदल की तस्वीरों के तौर पर पाकिस्तान की एक मॉडल की तस्वीरों का इस्तेमाल किया था। मॉडल की खूबसूरत तस्वीरों को देखकर ही लोग इस फेक प्रोफाइल की ओर आकर्षित हो जाते थे। मजे की बात तो यह है कि निशा जिंदल अपने आप को WHO, नासा और CIA का सदस्य बताती थी। यही वजह है कि निशा जिंदल के प्रोफाइल को 10,000 से ज्यादा लोग फॉलो करते थे। निशा जिंदल की फ्रेंड लिस्ट में कई बड़े अधिकारी और नेता भी शामिल हैं। अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आरोपी रवि ने निशा जिंदल के नाम पर इनसे किसी तरह की ठगी तो नहीं की है। अब जैसे कि इस फर्जी निशा का खुलासा हुआ है, फ्रेंड लिस्ट से लोगों के कम होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। खुद छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने भी निशा जिंदल को बेनकाब करने के लिए रायपुर पुलिस की तारीफ की है। रवि पुजार सिर्फ निशा जिंदल नाम से ही फेक आईडी नहीं चलाता था, उसने 8 महिलाओं के नाम से 8 फेक प्रोफाइल बना रखे थे, जिससे वो लोगों के साथ बातचीत करता था और अपनी तस्वीरें साझा करता था। अब इसका मकसद क्या था, पुलिस इसके पीछे की तफ्तीश में जुट गई है और उससे पूछताछ चल रही है। लेकिन अगर आप निशा के फ्रेंड हो तो अब अनफ्रेंड हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि जांच का सिरा कहीं आप तक न पहुंच जाए। खबर आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।